हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बनभूलपुरा हिंसा के 16 दिन बाद पुलिस ने इस हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अभी एकमात्र आरोपी अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोईद फरार है, जबकि बाकी दो अन्य गिरफ्तारियां भी आज हुई हैं और अब तक इस पूरे मामले में 81 गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस की कई टीमें हिंसा के अगले दिन से ही इस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही थी। बता दें कि आज अब्दुल मलिक ने अपने एक वकील के जरिए हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, इसमें लंबे समय से फरार अभियुक्त अब्दुल मलिक की नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसको हमारी टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और दिल्ली से गिरफ्तार करके इसको हमारी टीम जो है वो यहाँ लेके आई है। जल्दी इसको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इस कार्य के लिए जो हमारी टीम है उसको मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और DI साहब की तरफ से 5,000 रुपये का और DGP साहब की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम इस टीम को दिया गया है। इसके साथ ही हमने दो अन्य अभियुक्त जिन्होंने मुखानी थाने की गाड़ी जलाने में जो अपराध है उसमें सम्मिलित थे, तो दो अन्य अभियुक्तों की और गिरफ्तारी की है। तो आज अब्दुल मलिक को मिला के 3 गिरफ्तारियाँ हुई है। अब तक इस प्रकरण में 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सर, जो नामजद थे सब गिरफ्तार हो गए? नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोईद, अभी भी फरार है, उसकी जल्दी हम गिरफ्तारी कर लेंगे। उसके अलावा सारे अभियुक्त जो है नामजद वो गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, अब्दुल मलिक हमारी कस्टडी में है और इसको जल्दी ही हम कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं।